थोड़ा इमोशनल पतंजलि बाबा रामदेव कहीं पीछा नहीं छोड़ते एक और न्यू मेंबर के साथ। हेलो गाइस, ऑमलेट खा लो। गाइस आज आए थे बहुत सारे गेस्ट मिलने। मासी आई थी, मामा के बेटे आए थे, मेरे कजन ब्रदर, एंड उनकी एनिवर्सरी थी तो हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया एंड बहुत मजा आया, बहुत हंसी मजाक हुआ। आप लोगों के साथ मैं मेमोरीज जरूर शेयर करूंगी। शॉर्ट शॉर्ट देखेंगे बीच में। गेम ओवर। मतलब यहाँ क्या हैप्पी बर्थडे चल रहा है लाइन में वाह क्या सीन है। मैंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत ज्यादा व्लॉग तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतने बिजी थे, इतनी मस्ती चल रही थी। इनमें जरूर शेयर करूंगी मेमोरीज एंड पता चलेगा आप लोगों को मेरी फैमिली कितनी कॉमेडियन है, कितना मतलब हंसते ही रहते हैं। तो आज है लास्ट डे दिल्ली का एंड अब हो गई है पैकिंग वापस जाने की मुंबई। सो थोड़ा इमोशनल नहीं हूं मैं। हाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा सा लग रहा है मुझे एंड आज मैं थोड़ी सी टायर्ड भी हूं तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि जल्दी 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 रास्ता खत्म हो जाए एंड अब जा रहे हैं एंड प्लस पॉइंट भाई भी साथ में जा रहा है तो मैं थोड़ी कम इमोशनल हूँ। कि आवेश मुझे वहीं तक लेके जा रहा है, मतलब मुंबई जाएगा आवेश साथ में एंड मस्ती करेंगे साथ में। मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो रही है जैसे होती हैं नॉर्मल मम्मियां। तो इधर उधर इधर उधर घूम रहे हो तब से सामान अरेंज करते हुए। तो मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में गाइस। आई डोंट वांट टू मिस यू, आई वांटेड टू नो। हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे एंड चलते हैं फ्लाइट के लिए, लेट ना हो जाए ताकि। अब मिलेंगे एक और न्यू मेंबर के साथ। बाय। सो गए हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे एंड हम लोग पिज्जा ले रहे हैं सेम एंड कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा टाइम है अभी हमारी प्लेन। सो गाइस पेट पूजा का सामान आ गया है यहाँ पे, रात के 2 बजे हैं गाइस। और हमें अचानक भूख लग गई, सबसे हाइजीनिक हमें यही मिला हेल्दी खाना। बाकी हमारे पीछे आप देखिए पतंजलि बाबा रामदेव कहीं पीछा नहीं छोड़ते। बाबा रामदेव का यहाँ पे एकदम बेहतरीन आउटफिट हमें नजर आया। हम गए अंदर उसमें पर हमारे लाइक कुछ था नहीं। एक्चुअली अभी हमें देख के 2-3 लोग और गए हैं, वो भी खाली आते आएंगे क्योंकि उन्हें भी कुछ मिलेगा नहीं अंदर। अरे नूडल्स खरीद के कौन जा रहे हैं यहाँ से। अंदर मिल रहा आंवले का रस, एलोवेरा। I don't wanna miss you. तो सुबह से भ्रमण पे हो आप? अल्लाह भी कह रहा होगा मम्मी कहाँ आज घूमने जा रही है, रुकी नहीं रही है बिल्कुल भी 2 मिनट को। रात के 2:30 बज रहे हैं, मम्मी का जो मतलब वो रुकने का आतंक मचा। फाइनली बस आ गई गाइस, काफी लंबे अंतराल के बाद। हम यहाँ खड़े तो ऐसे हैं, पता चले वहाँ से खोल दिया तो सबसे लास्ट हम ही होंगे। अभी बस हमारी नहीं है, हमारी है लगा तो रहा है डिपो पे। बस अड्डे बस अड्डे बस अड्डे बस अड्डे ISBT बस अड्डा। फाइनली बस अड्डा, फ्लाइट मिल गई। सो जाओ। Moments later. देखो कितने बड़े ब्लॉगर को वेट करा रहे हैं, कोई ब्लॉगर ऐसे बैठे हैं। भरेंगे इसका। हैं? मोदी जी को लिख रही हूँ अभी एप्लीकेशन। गाइस इनका सामान नहीं आया, ट्रे भी रुक गई है, बेल्ट के में कोई हलचल नहीं है अब तो। पेट में भी बंद होगी, पहले तो खिसक भी रही थी। पेट में कोई हलचल है? बेल्ट में कोई हलचल नहीं है। सन्नाटा पड़ा है उसका। अनाउंसमेंट तो हो गई है।
चली 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 स्पीड बड़ी कुछ नहीं देख बहुत बड़ा पेटला सा थैला आ रहा है आया हमारा थैला दो बैग है हमें यही वाला ज्यादा जरूरी है दूसरा ना भी आए तो चल जाएगा पेटला सा थैला आया हमारा देखो गाइस अलग ही आ रहा है सबसे मोटा हमारा ये बोरा सा इससे पता चलता है देसी आदमियों का सामान आ रहा है गाइस हमारा बैग आ रहा है लोट मारता हुआ आराम से दूसरा वाला भी आ गया फाइनली पेटला सा लोटा हुआ आराम से बहुत देर लगाई भाई चलो फाइनली निकाल तो नहीं लिया सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं एंड इतनी देर से आकाश का वेट कर रहे हैं तो फोन किए फोन करे जा रहे हैं एंड अब हम आ गए हैं तो अब उन्हें 10 मिनट लगेगी आने में अरे आराम से भाई आराम से आराम से आराम से आराम से बैग अपने आप ही मुड़ जाते हैं नींद में नींद में बैग भी हेलो कोकी चलो देख रहा है तिरछियों को से देख सो गाइस रात को हम लोग रात को क्या अर्ली मॉर्निंग ही पहुंचे थे एंड आकर फिर बेहोश होके सो गए सब लोग सो फाइनली अब भी उठे हैं एंड ये देखो सामने गोगो की मस्ती चल रही है यहाँ चल रही है मस्ती गोगो की और आवेश की खुजली कर दो ये खुजली करवा रहा है ये देखो लाट साहब टांग उठा के टांग उठा के दिखा रहा है करवाता है बकायदा अपनी जगह पे के इधर करो इधर करो शांत बच्चा शांत है आवेश के साथ दोस्ती हो गई गोगो की इसको तूने आते ही खुजली की होगी पक्का कुछ नहीं किया मैंने वो दिन बैठ के विंडो सीट पे बाहर के दर्शन कर रहा था हेलो गाइस ऑमलेट खा लो Days later. So guys, आज आविश को मर जा रहे हैं घर पे वापस दिल्ली एंड मेरा भी इतने दिन से मन सा लग रहा था यहाँ पे था ये कल तो ये लोग गए थे घूमने अपना एलिफेंटा केव ये और पापा एंड पूरा दिन कल ऐसे ही निकल गया एंड आज वापस जा रहा है ये दिल्ली पर अब के प्लान बनाना मम्मी पापा भी आ जाएंगे ना फिर आगे चलेंगे गोवा साइड पे गोवा चलेंगे आप तो आना ही है कई चक्कर लगेंगे आवेश के कल के टूर की वीडियोस और व्लॉग्स आप इसके चैनल पे देख सकते हैं मेरा भाई व्लॉगिंग करता है सो इसका चैनल मेंशन कर दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एंड आप लोग देखिएगा जाके जरूर क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग जो थोड़ी बहुत आती है वो मैंने इससे ही सीखी थी बेसिक एडिटिंग वगैरह भी ये करता है तो जिसको भी अपने व्लॉग्स में एडिटिंग वगैरह करानी हो सो गाइस प्लीज आप लोग इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात पूछी है कि दीदी आपकी एडिटिंग वगैरह कौन करता है सो मेरा ब्रदर मेरी एडिटिंग करता है एंड ये एडिटर है प्रोफेशनली भी काफ़ी सारे आप लोग तो जानते ही होंगे आविश को फॉलो भी बहुत सारे लोग करते हैं इंस्टाग्राम से भी सो यस अब चलते हैं बाहर अब आविश को छोड़ने मेट्रो एयरपोर्ट तक क्योंकि अब मेरा आउटिंग बस इतना ही बचा है मैं घर से कभी जाती हूँ एयरपोर्ट तो कभी चली जाती हूँ नीचे तक इससे ज़्यादा मेरी आउटिंग बची नहीं है एंड करने लायक हूँ भी नहीं अब सो चलिए गाइस जल्दी चलते हैं बाय बाय से जाना टाटा ध्यान रखना गाइस इसका ठीक है मिलते रहेंगे फिर हम लोग बाय 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 हम आविश को छोड़ आए हैं एयरपोर्ट पे एंड अब आ गए हैं घर सो चलते हैं सोते हैं थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी पूरी हुई नहीं है
एंड थोड़ा थकान भी हो जाती है अगर अच्छे से नींद पूरी नहीं होती तो, आप लोगों को तो पता ही है। सो बस अब चलते हैं घर एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।